बच्चों वर्ड स्पॉट रनिंग प्रोग्राम सिक्स वेस हु इज ही। तो ये ट्रेनिंग सेशन सिक्स है वर्ड्स फॉर शब्द शक्ति वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल एंड ओनली फॉर क्लास ट्वेल्थ। तो भी कंटिन्यू होते हैं वेस हु इज ही। फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन। वो कौन होता है जो जहाज चलाता है, उसे एक शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं पायलट। पायलट कह सकते हैं जहाज चालक, जहाज चलाने वाला, हवाई जहाज चलाने वाला पायलट होता है। उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पर्यायवाची एविएटर, AVIATOR एविएटर हो जाएगा। अच्छा जहाज चालक होते हैं, एक होता है जहाज चालिका भी होती हैं, तो जहाज चालक होंगे तो जहाज चालिका भी होती हैं, तो वहाँ पे जहाज चालिका की मीनिंग हो जाएगी एवियाट्रिक्स हो जाएगा, एवियाट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग अपनी है वन वर्ड सिचुएशन की वन हु गिव्स डायरेक्शन फ्रॉम बिहाइंड द सीन ऑन अ स्टेज। मीन्स क्या होगा, कलाकारों को प्रोत्साहन देने वाला, कलाकारों को प्रोत्साहन देने वाला क्या हो जाता है, ट्रम्पटर होता है। ट्रम्पटर नोट के लिए, कलाकारों को प्रोत्साहन देने वाला वो जो कि डायरेक्शन देता है फ्रॉम द बिहाइंड सीन ऑफ अ स्टेज पर। थर्ड ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, इट्स फादर पिता की मृत्यु के पश्चात जन्म बालक, पिता की मृत्यु के पश्चात जन्म बालक क्या होता है, पोस्थ्यूमस होता है, पोस्थ्यूमस होता है, POSTHUMOUS पोस्थ्यूमस होता है, पोस्थ्यूमस हो गया। उसके बाद फोर्थ है देखिए ए पर्सन हु हैज मैनी लव अफेयर्स विदाउट इंटेंडिंग टू मैरी। मीन्स प्रेमी होता है, आशिक होता है, जहाँ पे अच्छा देखो जहाँ पे प्रेमी आशिक की बात कर रहा हूँ, एक आपको मंत्र दे रहा हूँ ठीक है, इसकी इंग्लिश फिलहाल जान लीजिए क्या होती है, फिलेंडर होती है, PHILANDER, ये वर्ड्स मीनिंग है फिलेंडर। जहाँ फिल शब्द है PHIL, फिल शब्द है, वहाँ पे प्रेम संबंधी होता है, लव संबंधित होता है, फिल है ना, एक होता है प्रीफिक्स एक होता है सफिक्स बच्चों, तो प्रीफिक्स किसी वर्ड है ना कि पहले क्या लगाते हैं, जब जोड़ देते हैं तो प्रीफिक्स हो जाता है वर्ड आपका, और बाद में लगाते हैं तो क्या होता है सफिक्स होता है। तो यहाँ पे फिल शब्द है, एंड्रन में फिल लगा देना तो फिलेंडर हो जा रहा है, तो इसकी हो जाएगा आशिक हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ है ए पर्सन ऑफ मेटरलिस्टिक टेस्ट डिफरेंट टू वर्ड एंड लिटरेचर। मीन्स कहने का वो व्यक्ति जो साहित्य कला एवं संगीत के प्रति निष्क्रिय हो, किसके प्रति निष्क्रिय हो, संगीत के प्रति, कला के प्रति, साहित्य के प्रति रुझान लेता हो, क्या हो जाएगा फिलिस्टाइन हो जाएगा, फिलिस्टाइन हो जाएगा, फिलिस्टाइन 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 याद कर लीजिए। अगला वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है उसे क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन सीधी सी मीनिंग है। वन हु लीड्स अदर इन फील्ड, वन हु लीड्स अदर्स इन एनी फील्ड, इन एनी देखिए इन है एनी थोड़ा अलग कर लीजिएगा, इन एनी फील्ड पॉइनियर होता है, मार्गदर्शन होता है, अग्रणी होता है, इसका मतलब होता है ना पॉइनियर, पॉइनियर का मतलब होता है क्या, अग्रणी, मार्गदर्शन, मार्गदर्शक। आइए वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सी भाषाओं को जानता है, वन हु मे नोज मैनी लैंग्वेज, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट ये पॉलीग्लॉट, पॉली मतलब बहुत होता है, जैसे होता है ना साइंस की भाषा में पॉली टेट्रा, तो पॉलीग्लॉट हो गया बहुभाषी, पॉली मतलब अधिक होता है, ज़्यादा होता है, बहुभाषी इसका हम कह सकते हैं, अधिक भाषाओं को जानने वाला आदमी क्या कहलाता है, बहुभाषी आदमी, बहुभाषिता। आइए ए पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एब्लिशन ऑफ वॉर, क्या हो जाएगा शांतिवादी, इसका मतलब पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट मीन्स होता है शांतिवादी, ए पर्सन ऐसा आदमी हो जो विश्वास करता हो स्वतः युद्ध से बचाव के लिए, एवोल्यूशन के लिए, तो पैसिफिस्ट हो जाएगा शांतिवादी। अगला है ए लवर ऑफ मैनकाइंड, वुमेनकाइंड सॉरी, ए लवर ऑफ वुमेनकाइंड
लबरा वुमेन काइंड नारी प्रेमी। अभी मैंने बताया आपको ना, क्या बताया, ये बताया कि जहाँ पे फिल शब्द आ जाए, जैसे यहाँ पे फिल आया ना, फिलो गाइनिस्ट आया, फिल से मतलब प्रेम संबंधित होता है, तो नारी प्रेमी हो जाएगा। अच्छा गाइनिस्ट जहाँ पे वर्ड है, गाइनिस्ट तो वुमेन संबंधित है, गाइन मीन्स औरत संबंधित, वुमेन संबंधित, लेडी संबंधित, ठीक है। तो गाइन शब्द GYN आए तो समझ लीजिएगा, ये एक फंडा है, मंत्र दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना, फिल प्रेम, गाइन औरत, लेडीज नारी, तो ए लवर ऑफ वुमेनकाइंड फिलो गाइनिस्ट हो जाएगा, नारी प्रेमी हो जाएगा। अगला है वन हु फोरटेल्स इवेंट्स, वन हु फोरटेल इवेंट्स हो जाएगा, मतलब भविष्यवक्ता, इसका मतलब पहले बोल देना, प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, भविष्यवक्ता होता है इसका मतलब, प्रॉफिट हो जाता है। अगला है देखिए वन हु मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज लर्निंग, लर्निंग, तो वन हु मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज लर्निंग मीन्स होता है विद्यारंभी, बहुत अधिक जानने वाला, तो हो जाएगा क्या, पेडेंट, पेडेंट मतलब क्या होता है, विद्यारंभी होता है बच्चों। अगला वन हु जर्नीज, वन हु जर्नी टू अ होली प्लेस, किसी स्थान पर जाना हो तो वो क्या कहलाता है, तीर्थ यात्री होता है, तीर्थ यात्री, जर्नी जाना है होली प्लेस, अच्छे स्थान पर किसी को जाना है तो क्या कहलाता है, तीर्थ यात्री कहलाता है, पिलग्रिम, एक पिलग्रिम वर्ड रहता है ना, पिलग्रिम, ये पिलग्रिम वर्ड आप देख लीजिए, पिलग्रिम मीन्स होता है तीर्थ यात्री, पिलग्रिमेज मीन्स होता है तीर्थ यात्रा, है ना, पिलग्रिम्स होता है, पिलग्रिमेज होता है ना, तो इस तरह पिलग्रिम, पिलग्रिमेज, पिलग्रिम्स ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। आइए अगला वर्ड है वन हु लुक्स, वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स मीन्स डार्क साइड वो देखता हो तो वो निराशावादी उसे कह सकते हैं। पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट, पैसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट, आशावादी निराशावादी, तो यहाँ निराशावादी, निराशावादी, पैसिमिस्ट, आशावादी, ऑप्टिमिस्ट, आशा जिसके अंदर हो उसे ऑप्टिमिस्ट, जिसके अंदर निराशा निराशा भरी उसे पैसिमिस्ट कह सकते हैं। अगला वर्ड है क्या है, वन हु कलेक्ट पोस्टेज स्टाम्प, मतलब टिकट संग्रही इसको कहेंगे, टिकट संग्रह वाले करने को क्या बोलते हैं, टिकट संग्रही कहते हैं। फिलैटलिस्ट, फिलैटलिस्ट हो जाएगा, फिलैटलिस्ट के बाद वन हु हैज मोर देन टू वाइफ्स और हस्बैंड एट टाइम, बहुपति वाली पत्नी, बहुपति वाली पत्नी को क्या बोलेंगे, पॉलीगैमिस्ट, ये है पॉलीगैमिस्ट, यही है बहुपति वाली पत्नी। अच्छा इसको और हिंदी में हम कह सकते हैं बहुपत्नी वाला पति, बहुपत्नी वाला पति भी हो जाएगा, पॉली, पॉली मतलब अधिक, बताया ही मैंने आपको अभी। अगला है वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, जो बहुत से भगवान में विश्वास करता हो, पोली है ना, एक से अधिक देवताओं में विश्वास करने वाला क्या कहलाएगा, पॉलीथेइस्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पॉलीथेइस्ट होता है, एक से अधिक देवताओं में विश्वास करने वाला क्या कहलाता है, पॉलीथेइस्ट कहलाता है बच्चों। अच्छा चलिए अगला वन हु रिटायर्स, वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी टू लीव अ सोलिटरी लाइफ, सोलिटरी लाइफ, सोसाइटी से निकल जाए, संन्यास ले ले तो उसे क्या बोलेंगे, सन्यासी तो बोलेंगे ना, जीवन से उब जाए और जाके सन्यास आश्रम ले तो हो जाएगा बच्चों रेक्लस, रेक्लस हर्मिट, रेक्लस हर्मिट मतलब सन्यासी होता है, दो मीनिंग यहाँ पे दर्शाया गया है, दोनों मीनिंग आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है वन हुज रीजनिंग इज क्लेवर एट फॉल्स, क्लेवर एट फॉल्स मतलब बहुत से रीजन देता हो और चतुराई से रीजन देता हो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, तो वो कुतर्की होता है, कुतर्की के अंदर क्या हो जाएगी, सोफिस्ट, ये सोफिस्ट, SOPHIST सोफिस्ट हो जाता है। ए पर्सन इन हिज सिक्सटीज, ऐसा मनुष्य, ए पर्सन हिज सिक्सटीज, ऐसा मनुष्य जो 60 वर्ष से, अच्छा इसको हम इस प्रकार कहेंगे 60 वर्ष से 69 वर्ष के बीच का व्यक्ति, 60 वर्ष से 69 वर्ष के बीच का व्यक्ति क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेक्सेशनरियन, क्या सेक्सेशनरियन,
बोलिएगा आप लोग भी, सक्सेस जनरेरियन हो जाता है ना, सक्सेस जनरेरियन हो गया हिंदी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 60 वर्ष से 69 वर्ष के, 69 मतलब 69 नहीं 79 जोड़ लीजिए, 79 कह दो, 69 वर्ष के बीच का व्यक्ति वो क्या कहलाता है, सक्सेस जनरेरियन हो जाता है। आइए नेक्स्ट वर्ड है, फिर उसी प्रकार कुछ है, ए पर्सन इन हिज 70s, ऐसा मनुष्य जो 70 वर्ष की बात कर रहे हैं, मतलब 70 वर्ष से 79 वर्ष के बीच का व्यक्ति क्या कहलाएगा, ये वर्ड है। हाँ क्या वर्ड है, ये वर्ड है सेप्टेजुनेरियन, वहाँ पे सेक्सेजुनेरियन था, यहाँ सेप्टेजुनेरियन जुनेरियन, ठीक है। 70 वर्ष से 79 वर्ष के बीच का व्यक्ति, वन हु इज अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड, वन हु इज अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड, जो आदतन आदत जिसकी बन गई हो पिक्कड़ का, है ना, पीने का, वन हु इज हैबिचुअल, हैबिट बन गई हो, तो उसे पियक्कड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पियक्कड़, का पियक्कड़, पान नहीं पीने के लिए, शराब पीने का आदि, शराब पी जाती है तो उसे पियक्कड़ बोलते हैं ना, शॉर्ट होता है सोटी, शॉर्ट को कहेंगे पियक्कड़, या उसे किसी उन्होंने से टॉपर, टॉपर शराब पीने का आदि, शॉर्ट टॉपर, अलग अलग मीनिंग है। वन हु टॉक्स इन स्लीप, सोते, अच्छा फिल्म देखते हैं आप लोग ना, फिल्म में क्या होता है कि वन हु टॉक्स इन स्लीप, बातें करता रहता है, सोता रहता है, बड़बड़ घर में भी देखिए कुछ लोग बड़बड़ाते रहते हैं, सो रहे होते हैं और बातें करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, नींद में बोलने वाला, ये है सोमनम्बुलिस्ट, नींद में बोलने वाला सोमनम्बुलिस्ट होता है ना। थोड़ा सा यहाँ पे टॉक्स, यहाँ पे थोड़ा हमको लग रहा है मिसप्रिंट हुआ है, वन हु टॉक्स इन स्लीप, टॉक्स इन स्लीप, तो सोमनिलोकेंट होता है बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, वन हु टॉक्स इन स्लीप, थोड़ा यहाँ गलत लिख दिए हैं, तो यहाँ सोमनिलोकेंट होगा, नींद में बोलने वाला, स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, एस ओ एम एन, चलिए हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, है ना, एस ओ एम एन, है ना, आई, ये आई एल ओ, एल ओ क्यू यू ई एन टी, सामने लोकेंट हो गया, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नींद में बोलने वाला क्या हो जाएगा, नींद में बोलने वाला। अगला वर्ड भी फिर मिस्टेक हुआ होगा हमको लग रहा है, अगला वर्ड वन हु टॉक इन स्लीप हो गया, है ना, तो ये है सोमनिलोकेंट लिखा यहाँ पे, सही किए हैं अगले वाले में, सही कर दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। वन हु वॉक्स इन हिज स्लीप, फिल्म में क्या होता है, लोग सोता रहता है कोई और जाता है फ्रिज में, बॉटल रहता है और फ्रिज से बॉटल निकालता है और वहाँ पे पानी को पीता है, बॉटल उसी में रखता है, फिर आके सो जाता है, नींद में चलने वाला, नींद में सारे कार्य कर लेते, नींद में खाना खा लेता है जाके, फिल्म में देखे हैं ना, तो उसी की इंग्लिशिया है, क्या है, सोमनी, देखिए इसको सोमनम्बुलिस्ट कहेंगे, सोमनम्बुलिस्ट, ये सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट यहाँ पे सही हो गया। निद्राचर, निद्राचर प्राणी, निद्राचर प्राणी, वन हु वॉक्स इन हिज स्लीप, वन हु वॉक्स इन हिज स्लीप, इसको छोड़िए, आइए अगली बात करते हैं, वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होगा, थेइस्ट हो जाए, इसी को उल्टा कर दो, अथेइस्ट, इसी में ए लगा दो, ए टी एच ई आई एस टी, अथेइस्ट, ईश्वर में विश्वास ना करने वाला, अही तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो भगवान पे, थेइस्ट हो रहे हो, हम आस्तिक हैं, फिर नास्तिक कैसे हो जाओगे, तब अथेइस्ट हो जाओगे, तो नास्तिक, नास्तिक होता है ना, ईश्वर में विश्वास करने आस्तिक हो गया, और जो विश्वास न करे वो नास्तिक होता है, तो थेइस्ट, यहाँ पे अथेइस्ट भी नोट कर सकते हो आप, ए लगा के, अथेइस्ट वर्ड हो गया। अब है वन हु इन क्या है, रिवेंजफुल, रिवेंजफुल होता है जिसके अंदर बदला लेने की भावना हो, जिसके अंदर बदला लेने की भावना हो, बदला लेने के लिए भावना से ओतप्रोत, जिसकी धड़कनें किसी के लिए बदला लेने के लिए उतावली हो, उसे क्या कहेंगे, उसे बच्चों बोलते हैं विंडक्टिव, ये विंडक्टिव, तो ये कुछ वर्ड्स मीनिंग थी, आप लोग इसको बढ़िया सा अपने दिमाग में स्क्रैच करके नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और उसको याद कर लेना, बढ़िया मीनिंग थी, है ना, सेक्सेजुनेरियन, सेप्टेजुनेरियन, अच्छा बहुत सारी मीनिंग हुई, सोमनम्बुलिस्ट, सोमनिलोकेंट, ओके फिर यहाँ पे वीडियो को हम लोग रोकते हैं, ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके थैंक्स।